सच में जैसे एक एक एक्सपीरियंस के साथ आपकी प्रयोगशाला जुड़ी हुई थी, और अब ऐसा लगता है सारे सूत्रट के जितने भाई बहन सारे फरिश्ते तो बन ही गए होंगे, और अब बाकी हम बिल्कुल आपसे वायदा करते हैं कि हम वास्तव में फरिश्ते बना करके 7 फरिश्ते बनाएंगे और उनको जगह जगह प्रयोग करेंगे। मैंने तो जो सुना 2 दिन से सुन रही हूँ और 4 शब्द लिखे हैं वही बोल रही हूँ। सूरतगढ़ की इस पावन धरा पर, सूरतगढ़ की इस पावन धरा पर आया है एक फरिश्ता जिससे पहले से ही हम सबके सबके दिलों से जुड़ा हुआ था रिश्ता। आया है एक फरिश्ता। हम सब भट्टी के माध्यम से किया आपने अनुभव का प्रयोग, मेरे संग संग चलता है बाबा जैसे गगन में चांद है। क्या अनुभव कराया है हमें इस अनुभव, ये ऐसा मजेदार अनुभव है चाहे हम कोई कार्य करते करते बाबा को। वाह वाह, सात प्रकार के फरिश्तों का स्वरूप बनाकर धरती प्रकृति विश्व की सब आत्माओं को वह ब्रह्मांड को भी सकाश आपने दिलवाया है। और क्या मजा आया है, जो हो रहा अब होगा वह भी बढ़िया। अब होगा वो भी बढ़िया। गीता का सार समझाया है। वाह। चार पिलरों पर तपस्या से सिद्धि स्वरूप बनेंगे हम। हंसते रहो हर परिस्थिति में। इसको किस रीति से बढ़िया आपने समझाया है। एक बार और को बढ़िया आपने समझाया है। कैसे धन्यवाद करें हम आपका, हमारे अंतर्मन ने आपको छुआ है, आपने इतना समझाया। सचमुच हमारे अंतर्मन को छुआ है। पक्का बार-बार कहलवाया है। पक्का बार-बार कहलवाया है। भाई जी आप हो चुंबकीय फरिश्ता। आपने हमको भी फरिश्ता बनाया है। आभारी है हम सभी बहन भाई आपके, और हम आभारी है हम रानी बहन के, बाबा के और इन शिव शक्तियों के जिन्होंने हमें आपसे मिलाया है। धन्यवाद। ओम शांति। पहली बात तो ये, बाबा ने हमको मुस्कुराना सिखा दिया है और बाबा हमारे साथ 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 ही चलते हैं, साथ साथ ही रहते हैं। बाबा का हर्षित चेहरा जिसके लिए मुस्कुराना अच्छा लगता है, उसके लिए 21 बार रोजाना अभ्यास करें। सारे दिन अभ्यास करते ऊपर में बाबा की किरणें पड़ रही हैं और मेरी आंखों से सबको शांति। वैसे मैंने अपना अनुभव सुबह सुना दिया था, परंतु अपने बीच में बीके रमेश भाई कैसे पहुंचे ये मैं आपको बताऊंगा। सुबह मैं सुनने के बाद जब घर पर गया तो मैंने भाई साहब के लिए 2 लाइनें लिखी कि किस तरह से हमारे बीच में वो पहुंचे। जैसा इन्होंने बताया कि
ये तो एक निमित्त मात्र है, जो भी भाई बहने हैं, करण करणहार एक परमात्मा है। तो ये मैंने लिखा है, करण करणहार ने आकर बहन रानी को जगाया, करण करणहार ने आकर बहन रानी को जगाया, और रानी के वाइब्रेशन से यहाँ पोस्टमैन एक आया, और वाइब्रेशन से यहाँ एक पोस्टमैन है आया। पोस्टमैन के पास था एक संदेश बाबा का आया, पोस्टमैन के पास एक संदेश था बाबा का आया। रमेश भाई ने तुम बच्चों को पढ़कर उसे सुनाया, पढ़कर उसे सुनाया, एक समय और एक जगह ही एक संकल्प के घंटे का पाठ पढ़ाया, आनंद विभोर हुए सब बच्चे, ढंग तपस्या का पाया, अरे ढंग तपस्या का पाया। रमेश भाई ने आकर हमको है जगाया, अरे हमको है जगाया, रमेश भाई ने आकर हमको है जगाया। ओम शांति। पहली बार मैं माइक लेके बात कर रही हूँ, कोई गलती हो जाए बाबा सॉरी। जैसे रमेश भाई ने हमें बताया कि हमें कम इंद्रियों के ऊपर कैसे कंट्रोल करना है, अच्छा देखना, अच्छा सोचना, सब अपने ऊपर निर्भर करता है। अच्छा देखेंगे तो अच्छा अच्छी आंखें बनेंगी और खुद अच्छे बनेंगे, सामने वाला भी अच्छा नजर आएगा। अच्छी बातें सुनेंगे तो सामने वाले की भी सारी बातें अच्छी ही सुनाई देंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओह बहुत अच्छा लगा, मैं अनुभव करती रही घर पर गई तो कि बाबा मेरे सिर के ऊपर हैं और ब्रह्मा बाबा एक साइड है, एक साइड मेरा सूक्ष्म शरीर है, फरिश्ता शरीर, और बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रहे हैं और सारे जगह फैल रहे हैं। शांति। ओम शांति। मैं पहली बार ये भिट्टी में आया हूँ, तो भाई जी ने जो बताया, तो जो चीजें बताई, मैं पूजा पाठ तो करता था, लेकिन जो चीजें इन्होंने बिल्कुल गूढ़ मंत्र बता दिए कि आदमी को बढ़ना कैसे, और जो चीजें हैं, जो एक तो योग साधना का बताया कैसे करना है, प्लस कर्मेंद्रियों के द्वारा कैसे बचा सकता है, जो प्रैक्टिकल चीज है मुख्य द्वारा जो है, जो हम बोलते हैं उससे कई चीज अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, बहुत आदमी नुकसान होता है। सबसे बड़ी चीज कि जो मुँह से हम सही चीज बोले तो बोला गया है मुँह शांत रहने से सब बलाएं वैसे टल जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज है इनकी। और जब बता रहे थे तो हमको ये शरीर में एक तरीके से वाइब्रेशन, जैसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे झंझनाहट जैसी होती है, और उसमें एक ऐसा जुड़ाव हुआ कि आँख से आंसू जैसे भी आ रहे हैं, ये मैं अभी अनुभव किया यहाँ पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी दीदी, धन्यवाद। मैं तो यहीं आके जुड़ा हूँ, मैं मुलेटी स्टेशन में हूँ, सब काम छोड़ करके मैं सुबह से यहीं हूँ, कल भी आया था। मेरे संग 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 बाबा एंड मुझे सेंटर में आते हुए अभी एक महीना हुआ है, एंड आई एम यूगा एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन द ह्यूज डिप्रेशन स्ट्रेस। आज कैसा लगा, कल और आज कैसा लग रहा है? मेरा एक्सपीरियंस अभी काफ़ी अच्छा जा रहा है, एंड मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है, मैंने 7 डेज कोर्स ही मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मेरी लाइफ काफ़ी स्टेबल है, पहले से काफ़ी बेटर फील होता है, एंड आगे कोशिश जा रही है कि मैं मेरी लाइफ को बेटर करूँ। जी बिल्कुल शांति। मैं काफी दिनों से सेंटर पे आता रहा हूँ, लेकिन नियम नहीं बना पा रहा, और अभी तक कभी भी टाइम से आने की सोचता हूँ तब भी टाइम पे नहीं आ पाता हूँ। दीदी का बहुत मतलब ये प्रयत्न रहता है कि हम यहाँ पे टाइम पे आके और कंटिन्यू हूँ। कल जब भाई जी ने कहा आज सुबह आने के लिए 4 बजे, तो मुझे बड़ा इम्पॉसिबल सा अपने लिए महसूस हो रहा था कि शायद मेरा आना मुश्किल है, इसलिए मैंने उस समय भी संकल्प नहीं लिया। मैंने कहा संकल्प लिया तो आना पड़ेगा, सोचेंगे चलो बाबा का जैसा भी होगा। अचानक मेरी आज 2:40 में आँख खुली, और उसके बाद मैंने 10 मिनट फिर मैं आलस करके मैंने सोचा नहीं, तो ऑटोमेटिक बाबा की कृपा से मुझे ऐसी
प्रेरणा मिली कि मैं उठा और तैयार हुआ और यहाँ पर 4 बजे फिर भी नहीं पहुँचा, 4 दिन तक पहुँचा तो फिर भी नहीं पहुँचा। तो बाबा की कृपा से आपने संकल्प ले लिया होता तो 3:30 बजे पहुँचा। लेकिन फिर भी खुशी इस बात की कि इतने सारे फरिश्ते यहाँ बैठे हैं तो संघ का रंग तो लगेगा ही, जब आप सब फरिश्ते हैं तो हम भी तो फरिश्ते ही हैं। बाकी हाँ ये सच है कि बहुत सारी बातें सिर्फ हम थ्योरी में सुनते हैं, सिर्फ बातें सुनते आए फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, मतलब बहुत बड़ी बात लगती है सुनने में, फरिश्ता बन जाएंगे। इवन कोई नया सुने तो कहेगा ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, फरिश्ता बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। तो सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानियाँ थी कि कोई फरिश्ता उतरा, उसकी कोई विश थी वो कंप्लीट हो गई, सिर्फ एक छोटी एक स्टोरी जैसी लगती है। लेकिन मैंने कहा था जो थ्योरी थी वो प्रैक्टिकल किया, मेरा सच में ऐसा लगा कि हाँ हम फरिश्ता बनना नहीं है, हम फरिश्ते हैं। बस वो फरिश्ते के पंख अभी इतने छोटे हैं कि उड़ नहीं पा रहा। लेकिन भाई जी ने अभी पंख भी क्या कर दिए, बड़े बड़े कर दिए, वो भी एक फरिश्ता नहीं, सात सात फरिश्ते, सात नहीं आठ, हमें कितने भी अनलिमिटेड। लेकिन हर फरिश्ते में पावर भी होनी चाहिए ना, ऐसा ना हो कि फरिश्ता तो छोड़ दिया लेकिन वो निढाल हो रखा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है ना। और उसमें पावर किसके थ्रू जाएगी, हमारे थ्रू जाएगी। तो अपने आप को जितना भरपूर करेंगे तो हम तो क्या बन गए, मैनेजर बन गए, बाकी फरिश्ते वर्कर्स हैं। लेकिन मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना बाकियों को कंट्रोल करना, ऐसा ना हो कि उनकी हम सुधबुद्धि ना लें और जब वापस जाकर देखें तो जैसे एक छोटे बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया जाता है, तो मैं भी यहाँ पे पहले डॉली के लालच से यहाँ पे धीरे धीरे फिर लालच बढ़ता गया, पहले डॉली का लालच था, फिर वरदान का लालच हुआ कि वरदान मिलता है, दीदी देते हैं उसको पढ़ते हैं, फिर मैं ये हूँ आप ये आत्मा हो, तो उसके बाद लालच बढ़ा, फिर क्लासेस का लालच हुआ कि बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं। तो इस भट्टी में जो मैंने सीखा कि मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है अकेलापन, कि अकेलेपन में ज़्यादातर कोई इंसान रहना नहीं चाहता अकेलापन हो। यहाँ पे ये सीखा कि कोई इंसान कभी अकेला नहीं होता, हमेशा तीन तीन होते हैं, एक हम खुद होते हैं, एक हमारा फरिश्ता और एक शिव बाबा। आप सबके अनुभव सुनकर तो सभी और ही ज़्यादा अनुभवों से भरपूर हो चुके हैं, और बार बार दिल से यही निकलता है कि थैंक्स टू आप मेरे मीठे प्यारे बाबा को धन्यवाद है कि इतना अच्छा प्रोग्राम बाबा हम सब के लिए करवाते रहते हैं। आपको देखो अलग लग रहा है ना, इस ये रंग वैसे तो बाबा ने होली पे रंग लगाया था, और अब की बार सुरतगढ़ वालों का हम सब का डबल भाग्य है कि डबल पक्का सुखी पक्का वाला रंग लगा दिया। तो अब ये भट्टी का रंग और साथ में बाबा के प्यार का रंग जो इस भट्टी में चढ़ा है, और फरिश्ते का रंग ये कभी ना उतरे। तो फरिश्ता फरिश्ता उड़ने वाला, तो आज की मुरली में भी बाबा ने कहा ना उड़ने वाले, हाँ तो बाबा ने उड़ना सिखा दिया। ठीक है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मेरे को भी बैठे बैठे ऐसे लगा जैसे शिव बाबा ने मेरी उंगली पकड़ के सबके बीच में ऐसे नचाया जैसे मैं आज तक कभी नहीं, 5,000 साल के बाद ही पहली बार।